आज मैं हूँ एक ऐसी हस्ती के सामने जो चीनी इंडस्ट्री के लिए एक सीमा चिन्ह है, विचन नरसिंह प्राइवेट लिमिटेड, चीनी फैक्ट्री बेस्ड इन एमपी एंड महाराष्ट्र, इन बुरहानपुर इन एमपी एंड मलकापुर इन महाराष्ट्र। ये ऐसी चीनी फैक्ट्री है जिन्होंने इस तरह काम करना शुरू किया कि हमें नंबर वन ही बनना है। पहले दिन से जब से इन्होंने जीनिंग शुरू की है यहाँ पे, उनका ध्येय यही रहा है कि नंबर वन कैसे बना जाए। उसके लिए एक कल्चर डेवलप किया उन्होंने अपनी फैक्ट्री में, वो कल्चर को इतने सालों से अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए इनका स्टेटस भी मेंटेन है। मैं हूँ श्री तिलक भाई के साथ में, जो विचन नरसिंह प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो तिलक भाई, आपका खूब खूब आभार कॉटन गुरु के साथ इस इंटरव्यू में आने के लिए। तिलक भाई, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जीनिंग इंडस्ट्री के एक लीडर हैं, तो एक जनरल जीनिंग इंडस्ट्री के लिए 2013-14 का वर्ष कैसे रहा? 2013-14 का वर्ष जनरल अच्छा नहीं रहा जी, क्योंकि जो लोग सोचते थे कि भाई पीछे से कपास में तेजी आएगी, लेकिन एक्सपोर्ट कपास एक्सपोर्ट न होने से और इंटरनेशनल भाव घटने से कपास में बहुत बड़ी मंदी आ गई और उसका इफेक्ट जो माल रखने वाले लोग थे उन पर आया, और उनकी पोजीशन आज ऐसी है कि पूरा माल भी अभी नहीं निकाल सके हैं और उसके वजह से नया माल लेने के पोजीशन में भी नहीं है। तो पिछला साल तो खराब हो ही गया, लेकिन आने वाले साल पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तिलक भाई, ये सब किस लिए हुआ कि जिनर का अनुमान सीजन के बारे में बिल्कुल गलत रहा या नहीं? इसका कारण एक ही हुआ कि इंटरनेशनल भाव जो एकदम गिरे जी, जो 30% 25% जो भी गिरे होंगे जी, उसके वजह से क्या हो गया कि एक्सपोर्ट एकदम एक्सपोर्ट जाना बंद सा हो गया जी। अच्छा, और जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था उनकी भी पोजिशन वहाँ डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत हो गई, उसकी वजह से उनका भी जो पैसा आना था वो भी पैसा नहीं आया, तो उसकी वजह से सब दिक्कत ये जो है वो खड़ी। और एक्चुअल में जो कंजम्पशन था यानी क्रॉप का जो रिपोर्ट था वो उससे क्रॉप ज़्यादा आया, वो ठीक है ज़्यादा आया वहाँ तक ठीक है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो सका, उसकी वजह से यहाँ जो माल ज़्यादा रह गया जी, और उसकी वजह से नीचे में माल बेचना पड़ा, और नीचे में माल बेचने के बाद में भी उस आज वो भी पेनल्टी नहीं गई, तो आज वो मिल वालों को प्रेशर भी नहीं कर सकते पेमेंट के लिए जी। तो दो चीज इसमें दिक्कत में सही बात है, माल जो आया वो बढ़ता गया और जाने वाला माल रुक सा गया, एक्सपोर्ट हुआ नहीं है। सही बात है। तो देखिए, आप तो मतलब ऐसे है कि आपके तो दो जगह दो राज्यों में फैक्ट्री है, आपका बड़ा काम है, आपके पास बड़ा स्टाफ है, पर एक छोटे जिनर के लिए सब कुछ मालूम करना उसने इस पर पूरा, अगर देखो उस लेवल से आप जाएंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा कि हर एक स्टेट का ये भी नजीक आएगा, आपके एसोसिएशन नजीक भी आएगा और एक मिनट का लेन देन होगा। लेन देन होने का मतलब कैसा है कि हमारा क्रॉप इतना आएगा, आपका क्रॉप इतना आएगा, विचारों का लेन देन आदान प्रदान अगर आप करेंगे तो करेक्ट आपको ये मिलेगा। और ये एसोसिएशन ने थोड़ी सी जवाबदारी देना चाहिए कि अपने जो व्यापारी भाई है उनसे फीडबैक लेके कि भाई 50 व्यापारी है आपके, तो 50 व्यापारी को एक फोन करना है, इससे फीडबैक आपको मिल रहा है जी, 50 गांव का फीडबैक आपको। तो अभी आने वाले सीजन के लिए 2014-15 के लिए आपका क्या अनुमान है, क्या रहेगी बाजार, क्या चाल होगी बाजार? देखो, ये बड़ा डिपेंड रहेगा सीसीआई के परचेसिंग, सीसीआई के परचेसिंग पे जी। सीसीआई को मार्केट में आना ही पड़ेगा, उसका कारण है कि पिछले साल के जो मार्क आए हुए लोग हैं वो मार्केट में अगर खड़े नहीं रहते हैं तो गैप तो होगी जी। गैप होने से क्या हो जाएगा कि खासकर को अगर पैसे कम मिलते हैं तो सरकार को उस पर विचार करना पड़ेगा,
और सीसीआई को मार्केट में आना पड़ेगा, सीसीआई को सपोर्ट प्राइस में, या सपोर्ट प्राइस भी एक्चुअल में कम है खर्चे के हिसाब से, फिर भी अगर सपोर्ट प्राइस में भी सीसीआई खड़ी रहती है और माल नहीं बेचती है तो उसका इफेक्ट मार्केट में, उसका इफेक्ट ये आएगा कि सीसीआई का स्टॉक बफर स्टॉक हो जाएगा जी, समझो उसने 1 करोड़ का बफर स्टॉक कर दिया तो क्रॉप में से कम हो जाएगा। हाँ पिछले साल के हिसाब से क्रॉप कम है, कम आएगा, भले सोइंग ज्यादा है जी, सोइंग ज्यादा है लेकिन यील्ड उतना नहीं आएगा, यील्ड अगर उतना नहीं आता तो नेचुरली क्रॉप कम हो जाएगा, और क्रॉप कम होने से और सीसीआई 1 करोड़ का समझो बफर स्टॉक करती है, वो अप्रैल के बाद या मई के बाद बेचे या कुछ भी करे, पर जब तक अगर वो संभाल लेती है तो अभी ज्यादा मंदी नहीं आएगी इस भाव से। तो तिलक भाई का खास ये कहना है कि इस साल में 2014-15 के साल में इस परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही मंदी से शुरू हो रहा है ये साल, और एमएसपी के करीब या उसके नीचे कपास के भाव आ गए हैं, पर सामने स्पिनिंग मिल वालों के कैपेसिटी नहीं है या उनकी मानसिकता नहीं है कि वो स्टॉक करें, रुई की गठान सब समझते हैं कि बहुत सस्ता है, अभी कॉटन पर ले नहीं सकते, दूसरा जिनिंग फैक्ट्रीज जिनिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके गए सीजन के पेमेंट ही नहीं अभी तक रिलीज हुए हैं तो वो जिनिंग नहीं शुरू कर पा रहे, तो कपास खरीदने का कौन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास होने के बावजूद भी नहीं वो कपास बेच पा रहे हैं, तो काश्तकार ये बहुत आम बात है कि अगले साल शायद कपास नहीं उगाएगा कोई और उगाएगा, तो सरकार ये कर सकती है तिलक भाई के हिसाब से कि सीसीआई के माध्यम से या नाफेड के माध्यम से एमएसपी प्राइस पे वो कपास खरीदे, उस टाइम तक वो खरीदती रहे और एक तो बफर स्टॉक का निर्माण करे और उस बफर स्टॉक को सीजन एंड में या सीजन के सेकंड हाफ में मिलों के सप्लाई के लिए वो इस्तेमाल करे ताकि बाजार को एक सपोर्ट मिल जाएगा, गिरता हुआ बाजार थोड़ा स्टेबिलाइज हो जाएगा और इस मोमेंटम की वजह से शायद सूदे में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा जी, वही हिसाब से फिर जिनर थोड़े आ जाएंगे, क्योंकि कपास कपास सस्ता नहीं मिलेगा तो सस्ता नहीं बेच सकेंगे, हाँ नहीं बेच पाएंगे। हाँ तो तीन चीजें आज तिलक भाई से हमें जानने मिली है, ब्रांडिंग का महत्व क्या होता है, सबसे पहली बात कि गुडविल कितने सालों साल तक एक कंपनी को काम आ सकती है, दूसरी बात ये कि ब्रांडिंग बोलने से नहीं होती, वो अपने काम में कल्चर बनाना पड़ता है उस तरह से होती है, अपनी प्रेजेंस के बिना भी वो काम दूसरी तरह होना चाहिए तो ही हम उसको सही मायने में ब्रांडिंग बोल सकते हैं, तीसरी बात यह है कि अपने बायर को क्या चाहिए इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तीन चीज जो इनकी बातों का सार निकला है वो है, सबसे पहली है रिलायबिलिटी, दूसरी बात है स्टेबिलिटी, आप कंटिन्यूस एक ग्रुप के मिलों के साथ में काम करते रहो तो उन्हें भी आपकी आदत पड़ती जाएगी, तीसरी बात है कंटिन्यूटी, तो रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी तीन बातें तिलक भाई से हमने जानी है, ब्रांडिंग का महत्व क्या है इन्होंने करके दिखाया है और आज हमें उसका फॉर्मूला दिया है कि हर कोई कर सकता है और इस तरह कर सकता है, बहुत बहुत आभार तिलक भाई आपका आने के लिए और आपके मार्गदर्शन।